नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी न्यूज और मैं हूँ काजल आपके साथ। नागपुर में एक गणेश पंडाल में गणेश की मूर्ति स्थापित करने से पहले ही उसे नजरबंद कर दिया गया। दरअसल ये मामला आस्था की बजाय देश की ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा था, जबकि बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर इस गणेश पंडाल की झांकियां ही पुलिस ने प्रदर्शित नहीं होने दी। शहर के प्रख्यात गुलाबपुरी की गणेश उत्सव मंडल का यह मामला बताया जा रहा है, जो सालाना देश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार और प्रशासन पर कड़ा प्रहार करते हैं, जबकि इस बार मूर्तियां पंडाल में प्रदर्शित होने के पहले ही नजरबंद कर दी गई। महाराष्ट्र में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम के बीच महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में पुरी के विवादित गणेश ने फिर अपनी ओर जनता और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। इस बार पुरी गणेश द्वारा बेरोजगारी दर्शाती झांकियों को तैयार किया गया था। फिर क्या था, प्रदर्शित करने से पहले ही पुरी के गणेश को कमरे में बंद कर दिया गया। अनुसार हर गणेश उत्सव पर देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर मिट्टी की झांकियां बनाकर समाज और प्रशासन की आंखें खोलने का नागपुर में यह अनोखा इतिहास है, जिसे पुरी के गणेश के नाम से समूचे शहर भर में पहचान मिली है। पांच पावली की तंग गलियों के बीच ये परिवार सालाना अपने दादाजी गुलाब पुरी की इस परंपरा को कुछ इस तरह बरकरार रखे हुए है। और इसी कड़ी में इस बार केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करती बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्या पर ये झांकियां स्थापित होने वाली थी, जिसमें एक खास बात ये थी कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला था, जो विवादों का कारण रहा और जिसे पुलिस ने जेल बंद कर दिया। मेरी गणेश जी की पूरी तैयारी हो गई थी, तैयारी करने के लिए हम पूरा सब एकत्र हो गए और कार्यकर्ता आया और क्या बोलते हैं कुछ अपने पत्रकार फोटोग्राफर और पूरे चैनल के कुछ लोग आए थे, और उसमें सारी चीज़ें तैयारी होने के बाद में पुलिस वाले ने बीच अड़ंगणा डाल के वो पूरा जिस जगह गणेश जी था उस जगह में पूरा घेर लिया, और जो है 10-15 कार्यकर्ता था उसको अड़ा दिया और अड़ा कर वहाँ पर मूर्ति को निकालने दिया नहीं दिया। और उस गणेश जी जहाँ पे रखा हुआ है आज उसको ताला लगा कर हमारा ताला निकाल कर उन लोग ने अपना ताला लगा कर रखा है, जब्त करके रखा हुआ है। क्या जबकि हाईकोर्ट का पूरा आदेश है यह है कि यहाँ गणेश जी बैठ सकता है करके, ऐसा 2-4 दिन के अंदर में भी जिता सकते हैं और कर सकते हैं, पर ये उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं बोलते हम एक गणेश जी जब बैठा है तो दूसरे गणेश जी का बैठाने की परमिशन नहीं देते करके उन लोग ने पूरा थमा दिया हुआ है। वैसे बाल गंगाधर तिलक ने भी आस्था के स्वरूप नहीं बल्कि आंदोलन के स्वरूप में गणेश उत्सव को आरंभ किया था, लेकिन इसे अलग ही रंग दिया गया है। गुलाबपुरी के गणेश जी इस परिसर में 6 दशक से अधिक समय से स्थापित हो रहे हैं, जो केवल आस्था रूपी नहीं बल्कि समाज और राजनीति की दुनिया से जुड़ी ऐसी बातों को इस उत्सव के माध्यम से सरकार हो या प्रशासन दोनों पर कड़ा तंज कसता है। यही नहीं, ज्वलंत मुद्दों पर स्थापित ये झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र होती है, जहां पिछले कुछ वर्षों में इन झांकियों को स्थापित किया गया, जिसके पीछे के कारण विषय सामान्य रहे होंगे, लेकिन जैसे ही बेरोजगारी का सवाल पुरी के गणेश ने उठाया वैसे ही उसे नजरबंद किया गया। मतलब साफ है, सरकार कहती है हमारे गुणगान गाओ, नहीं गा सकते तो चुपचाप बैठो, लेकिन अगर आपने सवाल हमसे बेरोजगारी और अन्य चीजों पर किया है तो फिर इंसान क्या चीज है, हम तो भगवान को भी नजरबंद करने की ताकत रखते हैं। नागपुर से मुकेश हेड़ाओ की रिपोर्ट इक्वालिटी न्यूज के लिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।